के चूल्हे पे हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो है चपाती नूडल्स। चपाती नूडल्स बनाने के लिए मैंने ये सुबह की बची हुई 4 से 5 चपाती ली है। जैसे हम चपाती नूडल्स बोल रहे हैं तो हमें इस रेसिपी को पूरा नूडल्स का लुक देना है, तो उसके लिए मैंने ये कुछ सब्जियाँ ले ली है जो नूडल्स में ही डलती हैं। ये मैंने स्लाइस ले लिए हैं प्याज के, एक बड़ा प्याज मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक कट किया है, ये मैंने छोटा सा टुकड़ा पत्ता गोभी का लंबा लंबा कट कर लिया है, आधी शिमला मिर्च ली है मैंने जिसके लंबे लंबे स्लाइस कट कर लिए हैं, और आधी मैंने गाजर ली है जिसके लंबे लंबे स्लाइस कट कर लिए हैं, एक टमाटर लिया है उसके मैंने बीज निकाल कर उसको भी लंबा लंबा कट कर लिया है। तो चलिए अब बनाते हैं चपाती नूडल्स। चपातीस को कट कर लेंगे हम, चपातीस को हम नूडल्स के जैसे कट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले चपातीस ले लेंगे फिर उसको बीच में से ऐसे कट करेंगे। आप चाहें तो कैंची से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो चक्कू से भी कर सकते हैं। ऐसे इनको कट करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम चपाती को। फिर इसको हम ऐसे लंबा लंबा जैसे नूडल्स होते हैं ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे नूडल्स के जैसे लंबा लंबा हमको कट करना है। तो चलिए अब बनाते हैं चपाती नूडल्स। पैन को गैस पे चढ़ा लिया है और गैस को जला दिया है। अब इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच ऑयल की डालेंगे। नूडल्स के जैसे इसमें भी फ्लेम हाई रखेंगे हम, तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे। राई सिक गई है हमारी, अब इसके अंदर हम ये जो प्याज कट करके रखे हैं स्लाइस में वो डालेंगे और साथ में हरी मिर्च भी डाल देंगे। थोड़ा सा इसको हल्का सा तेल में भूनेंगे प्याज को, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। आप चाहें तो इसको जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो उसमें बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमको नूडल्स का लुक देना है तो हमें इसमें शिमला मिर्च गाजर पत्ता गोभी सभी डालने हैं। आप चाहें तो इसमें टमाटर प्याज आलू डाल के भी बना सकते हैं इजीली, घर के जो भी हमारे नमक हल्दी वगैरह मसाले होते हैं वो डाल के भी बना सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर नूडल्स लुक देना है तो उसके लिए हम ये सभी सब्जियाँ डालेंगे, और अगर आप चाहो तो उसमें सोया सॉस और विनेगर वगैरह भी डाल सकते हो। तो प्याज हमारे ये हल्के से तेल में भुन गए हैं, इसके बाद में हम इसमें ये सभी सब्जियां डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक भी डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च की डालेंगे। मसालों को थोड़ा सा सिकने देंगे तेल के अंदर। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक के लिए हम सब्जियों को भूनेंगे, उनका क्रंचीनेस खत्म नहीं होने देंगे। अब इसके अंदर हम 1 मिनट हो गया है सब्जियों को भूनते हुए, अब इसके अंदर हम ये जो हमने रोटी को कट करके रखा हुआ था वो डालेंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। रोटी डालने के बाद हम इसमें ये टमाटर भी डाल देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमें हाई रखना है। रोटी को सिकते हुए 1 मिनट हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। रेडी हैं हमारे चपाती नूडल्स, अब इसको हम थोड़ा सा पत्ता गोभी और हरे धनिए के साथ सर्व करेंगे।
इस रेसिपी को आप भी अपने घर में ट्राई करें, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करें कैसी बनी है, और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।